तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने अपने YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल विद क्यूट बॉय पे। तो SSC JEE जो हमारा अभी एग्जाम होने वाला है, उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज देखने को मिलती है वो रीजनिंग भी देखने को मिलती है GS की। इससे पहले मैंने GS की स्ट्रेटेजी डिस्कस की थी, अब मैं जो स्ट्रेटेजी डिस्कस करने वाला हूँ दैट इज ऑफ रीजनिंग स्ट्रेटेजी। अच्छा, बाकी जितने भी सारे एग्जाम्स आपने आज तक दिए होंगे SSC JEE को छोड़ के, सब में जो रीजनिंग होती है ना, वो आप देखोगे कि रीजनिंग के टॉपिक जो होते हैं ना, लगभग हर टॉपिक से पूछे जाते हैं। SSC JEE के सिर्फ ये 8 टॉपिक सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं। अगर आप सारी रीजनिंग छोड़ के ये 8 टॉपिक्स भी कर लोगे ना, तो क्योंकि SSC JEE का एक पैटर्न होता है और उसी पैटर्न पे वो चलता है, ठीक है। तो 8 टॉपिक जो रीजनिंग के हैं, उसमें से सबसे ज्यादा जो रीजनिंग के क्वेश्चन पूछता है ना SSC JEE, वो पूछता है कोडिंग एंड डिकोडिंग से। यहाँ पे लिख दिया मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन। कोई भी JEE का पिछला पेपर उठा के देख लो, कोडिंग डिकोडिंग SSC JEE का सबसे फेवरेट पेपर होता है। इसने पूछना ही पूछना है, कोडिंग डिकोडिंग से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। मैक्सिमम पे कोडिंग डिकोडिंग, उसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आपका नंबर सीरीज। नंबर सीरीज से भैया इसके इतने ज्यादा क्वेश्चन होते हैं, लगभग 10 से 12 क्वेश्चन नंबर सीरीज से ही पूछ लेता है। उसके बाद 6 से 7 क्वेश्चन आपके पूछ लेता है अल्फाबेटिकल सीरीज से, ठीक है। डायरेक्शन सेंस जो है, कभी कभी डायरेक्शन सेंस में भी क्वेश्चन आ जाते हैं इसके, ठीक है। लेकिन डायरेक्शन सेंस के क्वेश्चन इसके लेंथी नहीं होते, ठीक है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछता है डायरेक्शन सेंस पे, अगर आपने एक दो बार भी पढ़ा होगा तो भी आप कर लेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है इम्पोर्टेंट इसमें, वो रहता है सिटिंग अरेंजमेंट का। सिटिंग अरेंजमेंट के इसमें अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि पूछे जाते हैं 4 से 5, ठीक है। डायरेक्शन सेंस के हमारे पास 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट होता है सबसे ज्यादा कोडिंग डिकोडिंग से पूछता है क्वेश्चन, 10 से 12 ही क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। और 10 से 12 नंबर सीरीज से 6 से 7, ठीक है। फिर सिटिंग अरेंजमेंट, फिर डायरेक्शन सेंस। एक टॉपिक हर एग्जाम में रीजनिंग में कहीं नहीं पूछा जाता, लेकिन इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है, वो कौन सा? मिरर इमेज वाला। मिरर इमेज आप UPPCL में छोड़ सकते हैं, ठीक है, आप NHPC में छोड़ सकते हैं, लेकिन SSC JEE में मिरर इमेज से बहुत क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। किसी ने भी SSC JEE का पहले पेपर दिया हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल से हो, चाहे वो मैकेनिकल से हो, चाहे सिविल में से हो, तो भैया उसमें मिरर इमेज का पढ़ना बहुत जरूरी है। मिरर इमेज कहीं पे पूछे ना पूछे SSC JEE में जरूर पूछता है भैया। और उसके बाद इसका एक फेवरेट टॉपिक होता है जिससे 2 क्वेश्चन पक्के पूछता है, 2 क्वेश्चन, उसका मतलब होता है भैया डिक्शनरी। डिक्शनरी कहीं तुम पढ़ना ना पढ़ना, इसमें जरूर पढ़ लेना, ठीक है। और उसके बाद जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे पास 6 से 7 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, वो पूछे जाते हैं ब्लड रिलेशन पे। अब भैया ब्लड रिलेशन बहुत ही ईजी टॉपिक में आता है, तो ब्लड रिलेशंस आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, आप चाहे सिविल के हो, चाहे मैकेनिकल के हो, चाहे इलेक्ट्रिकल के हो। फिर से एक बार सीक्वेंस समझा देता हूँ, सबसे ज्यादा कोडिंग डिकोडिंग, उसके बाद नंबर सीरीज, अल्फाबेटिकल, डायरेक्शन एंड सिटिंग, मिरर इमेज, डिक्शनरी, ब्लड रिलेशन। मैक्सिमम क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से होते हैं, उसके बाद नंबर सीरीज से होते हैं, फिर अल्फाबेटिकल सीरीज से होते हैं, उसके बाद 4 से 5 हमारे पास सिटिंग अरेंजमेंट, 2, 3 से 4 हमारे पास डायरेक्शन सेंस के क्वेश्चन बेसिक होते हैं, लेंथी नहीं होते। डिक्शनरी से 2 क्वेश्चन होंगे, ब्लड रिलेशन से 6 से 7 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, मिरर इमेज को आप स्किप नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये थी हमारे पास SSC JEE की कुछ रीजनिंग स्ट्रेटेजीज, जहां से पूछा जाता है। और रीजनिंग SSC JEE का किस लेवल का आता है, तो इजी टू मॉडरेट लेवल की इसमें रीजनिंग आती है। क्यों? टाइम लिमिट कम होती है इसमें, टाइम कम होता है, इसलिए इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन ही डाले जाते हैं, ठीक है। तो पैनिक करने की कोई बात नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ठीक है। थैंक यू।